वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नई वेब सीरीज के बारे में जो आज ही रिलीज हुई। इस वेब सीरीज का नाम है कामिनी। ये होजॉय ओरिजिनल ऐप पर रिलीज हुई, लेकिन उसके साथ साथ ही एमएक्स प्लेयर पे भी रिलीज हुई है। ये एक बंगाली वेब सीरीज है मगर हिंदी में रिलीज हुई है एमएक्स एवरी एंटरटेनमेंट ऐप पर। तो इस वेब सीरीज की हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को करें सब्सक्राइब। और मैं लोगों से एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस वीडियो की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां मर्जी जाए चेक कर सकते हो और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारे आज की ये वीडियो। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे होजॉय ऐप की वेब सीरीज कामिनी के बारे में। इस वेब सीरीज हमें नजर आती है बरका बीस, कलराज मुखर्जी और इसे डायरेक्ट किया है रिक बासु ने। इसमें अभी फिलहाल सिर्फ 4 ही एपिसोड रिलीज हुए, बाकी के एपिसोड में अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। और ये एक कॉमेडी हॉरर वेब सीरीज है। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जिस गांव का नाम है निषादपुर। वहां के जितने भी मर्द है, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो, सारे के सारे गायब होते जा रहे हैं। और वजह सिंपल सी है कि उन लोगों को एक औरत उठा के लेके जा रही है। और जब भी वो किसी मर्द को उठा के ले जाती है वहां पे एक फूल छोड़ देती है। उस फूल को गांव वाले बोलते हैं कामिनी। बेसिकली उस फूल का नाम है कामिनी। इसी वजह से वो उस भूत को भी कामिनी कामिनी करके बुलाने लगते हैं। लेकिन मेन कहानी शुरू होती है इसके बाद से, यानी कलकत्ता का एक शहर है जहाँ पे दो डिटेक्टिव रहते हैं। एक का नाम है सामिया और दूसरे का नाम है अर्नब। दोनों ही डिटेक्टिव है लेकिन उन लोगों की जो डिटेक्टिव एजेंसी है वो इतनी कुछ खास चल नहीं रही है। उन लोगों पर काफी कर्जा भी आ चुका है। लेकिन फाइनली उनके पास एक केस आता है, यानी कलकत्ता के जो मिनिस्टर है उसका बेटा किडनैप हो जाता है। किडनैप कौन करता है? यही लड़की करती है। क्योंकि निषादपुर से जब वो अपने दोस्त के साथ जाते रहता है तो हाईवे पे उसे एक लड़की मिलती है। अब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शायद कामिनी ही होती है, क्योंकि इस तरीके से हमें इस वेब सीरीज बताया तो हम शायद उसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो कामिनी होगी। क्योंकि जब वो लड़का उसके पास जाता है तो वो सेक्स के इंटेंशन से आता है, लेकिन वो लड़की उसे जंगल में लेके जाती है। उसके बाद वो लड़का गायब हो जाता है। फिर जब उसका दोस्त जब अपने दोस्त को ढूंढने के लिए नीचे उतरता है तो वो जंगल में उसे देखता है, तो जंगल में उसे नहीं मिलता, लेकिन वहां पे उसे एक फूल मिलता है और वहां पे वही जो कॉन्डम्स होते हैं वो पड़े मिलते हैं। और वो फूल वही जो गांव वाले को मिलता है ना, कामिनी फूल, वही मिलता है। तो अब ये केस इन दोनों डिटेक्टिव के पास आ चुका है और ये डिटेक्टिव निषादपुर जाते हैं। निषादपुर जाने के बाद इन लोगों का क्या क्या फनी सिचुएशन होता है यही हमें इस वेब सीरीज में बताया गया है। तो यार ये वेब सीरीज की बारे में बात करो तो ये एक एडल्ट वेब सीरीज है। एडल्ट इस वजह से क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन्स नहीं है। इसमें डबल मीनिंग से डायलॉग्स है, गाली गलौज है, बैड वर्ड्स है, जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंडियन थोड़ा फैमिली ऑडियंस के लिए ये सुटेबल नहीं है। लेकिन जो इस तरीके की वेब सीरीज देखने आते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो गाली गलौज जो है वो मोस्टली जो लोग डे टू डे लाइफ में देते हैं वही है। कुछ इसे अलग से इन्वेंट की गई नहीं है, वही है माँ के, ये बहन की, बीसी टीसी टीसी जो भी है वही सब गाली है। तो मुझे पर्सनली अगर इस वेब सीरीज की मेरा ओपिनियन दूं तो मुझे ठीक ठाक लगी। इस एन एवरेज वेब सीरीज, आप कहीं पे भी बोर फील नहीं होते, क्योंकि ये वेब सीरीज की जो लेंथ है वो 20 मिनट की और 22 मिनट के बीच में ही है। और जो फनी सिचुएशन जो क्रिएट किए वो भी अच्छा ही लगता है, तो ये वेब सीरीज कहीं से भी बोर नहीं करती है। और ये वेब सीरीज की कहानी इंस्पायर है बॉलीवुड की फिल्म जो रिलीज हुई थी स्त्री, उससे इंस्पायर, जिसमें राजकुमार और श्रद्धा कपूर थे। वो भी एक हॉलीवुड एक कॉमेडी हॉरर मूवी थी। तो ये वेब सीरीज है उससे इंस्पायर है, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग है। और ये भी आपको हंसाने में कामयाब होती है, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपको गाली गलौज डायलॉग्स में सुनना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपको अच्छी लगेगी। तो ये तो थी वेब सीरीज की बात। इसके सिर्फ 4 ही एपिसोड आए, बाकी के इसके अगले हफ्ते आएंगे, तो पूरा का पूरा रिव्यू आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। बाकी के 4 एपिसोड भी कैसे, तो अगर आपको ये 4 एपिसोड देखना है तो आप इसे एमएक्स प्लेयर पे जाकर देख सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना ही मुझे कहना था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसमें जो ऊपर वाला है ना ऑल, उस पर क्लिक करना। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।